दोस्तों, हमारा ये नया चैनल है तो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। स्टडी इंडिया है, असम का जो इरीगेशन डिपार्टमेंट है उसी के लिए वहाँ पर जो पोस्ट निकला था जूनियर असिस्टेंट का, उसके लिए कंप्यूटर नॉलेज का जीके जो है वो मैंने लेकर आया हूँ। अच्छा लगा तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। तो आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल, विच शॉर्ट की इज यूज टू सिलेक्ट ऑल टैक्स? यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस ए, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस बी, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस एक्स, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस वाई। सही ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन कंट्रोल प्लस ए। ठीक है, एक बार देख लीजिए अच्छी तरह से। आप सेकेंड क्वेश्चन है, विच शॉर्ट फंक्शन की इज यूज टू कॉपी टेक्स्ट? यहाँ पर दिया हुआ है कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस जेड एंड कंट्रोल प्लस बी। सही आंसर जो है वो है कंट्रोल प्लस सी, कॉपी। कंट्रोल प्लस सी आप जब कंप्यूटर की जो कीबोर्ड है वहाँ पर दबा देगी तो कंट्रोल प्लस सी जब आप दबाओगी तब वो जो मॉनिटर पे जो ऑप्शन दिखेगा वो कॉपी हो जाएगी। ठीक है, आप आते हैं दूसरी ओर। विच शॉर्ट की इज़ यूज टू कट टैक्स? यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है कंट्रोल प्लस टी, कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस एक्स एंड कंट्रोल प्लस एम, सी टी आर एल, कंट्रोल प्लस एम। ठीक है, सही ऑप्शन जो है कंट्रोल प्लस एक्स। क्वेश्चन नंबर फोर, विच शॉर्ट की इज यूज टू पास टैक्स? यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस एम, कंट्रोल प्लस वी एंड कंट्रोल प्लस ओ। आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, कंट्रोल प्लस वी। ठीक है, आप फाइव नंबर क्वेश्चन, विच शॉर्ट की इज यूज टू अंडो टैक्स? यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस एन एंड कंट्रोल प्लस अल्टर। ऑप्शन जो है वो ए है, आंसर जो है वो ए है, कंट्रोल प्लस जेड, अंडो टैक्स वो हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच शॉर्ट की इज यूज टू बोल टैक्स? कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस एम, कंट्रोल प्लस पी एंड कंट्रोल प्लस बी। सही आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, कंट्रोल प्लस बी, बोल टैक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेवन, विच शॉर्ट की इज यूज टू अंडरलाइन टैक्स? कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल प्लस वी एंड कंट्रोल प्लस एन। सही आंसर जो होगा वो है कंट्रोल प्लस यू। जब आप कंट्रोल प्लस यू अपने कीबोर्ड कंप्यूटर का जो कीबोर्ड है वहाँ पर दबा देगी तब अंडरलाइन टेक्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर होगा कंट्रोल प्लस यू। क्वेश्चन नंबर एट, विच शॉर्ट फंक्शन की इज यूज टू हेल्प? F1, F2, F4, F5। सही आंसर जो होगा वो होगा F1। एक बार देख लीजिए, विच शॉर्ट फंक्शन की इज यूज टू हेल्प? ठीक है, यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, F1। क्वेश्चन नंबर नाइन, विच शॉर्ट फंक्शन की इज यूज टू रीनेम सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट? यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है F1, F2, F3 एंड F4। सही आंसर जो होगा ऑप्शन बी, F2। अगर आप अपने कंप्यूटर का जो कीबोर्ड है वहाँ पर F2 दबा देंगे तो जो रीनेम है वो सिलेक्ट हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट का। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, विच शॉर्ट फंक्शन की इज यूज टू फाइंड ऑल फाइल्स? और ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए F1, ऑप्शन बी F3, ऑप्शन सी F4 एंड ऑप्शन डी F6। सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, F3। क्वेश्चन नंबर 11, विच शॉर्ट फंक्शन की इज यूज टू विच शॉर्ट फंक्शन की इज यूज टू ओपन फाइल लिस्ट ड्रॉप डाउन इन डायलॉग्स? यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है
ऑप्शन ए एफ टू, ऑप्शन बी एफ सिक्स, ऑप्शन थ्री सी एफ फोर एंड ऑप्शन डी एफ सिक्स। सही आंसर जो क्या हुआ होगा एफ फोर। अगर आप यहाँ पर दिया हुआ है विच शॉर्ट फंक्शन की इज यूज टू ओपन फाइल लिस्ट ड्रॉप डाउन इन डायलॉग्स, एफ टू एफ सिक्स एफ फोर एंड एफ सिक्स। यहाँ पर सही आंसर जो होगा वो होगा एफ फोर। क्वेश्चन नंबर 12, विच शॉर्ट फंक्शन की इज यूज टू साइकिल्स बिटवीन ऑफ एन एप्लीकेशन। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है एंटर प्लस वी, एंटर प्लस टैब, एंटर प्लस इन एंड एंटर प्लस होम। सही आंसर जो होगा वो होगा एंटर प्लस टैब। सही ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन बी एंटर प्लस टैब, ये होगा ठीक है एंटर प्लस टैब। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30, एक्सरे कैन बी यूज डॉट। कहाँ पर एक्सरे यूज़ किया जाता है? यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है टू गोल्ड अंडर द आर्ट डिटेक्ट, ऑप्शन बी टू डिटेक्ट गोल्ड अंडर द आर्ट, ऑप्शन सी नॉन ऑफ एवर। सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी टू डिटेक्ट गोल्ड अंडर द आर्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, हु आर द फादर ऑफ इंटरनेट? जॉन लोजिस, फिन सर्फ, लॉजिक बियर्ड एंड चार्लिस बेबेज। यहाँ पर सही सार ऑप्शन दिया हुआ है जॉन लॉजिक, फिन सार, लॉजिक बियर्ड, ऑप्शन डी चार्लिस बेबेज। यहाँ पर सही ऑप्शन जो होगा हुआ होगा ऑप्शन बी फिन सेल्फ। यहाँ पर आ गया क्वेश्चन नंबर, और यहाँ पर ये आ गया, कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं 50 कर देता हूँ, ठीक है। विथ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलो, ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलो। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन बी एरिमेटिक लर्निंग यूनिट, ऑप्शन सी एरिथमेटिक लोड यूनिट, ऑप्शन डी एरिथमेटिक लॉजिस यूनिट। सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए एरिथमेटिक लॉजिक लॉजिस यूनिट, ठीक है। ये जो सारे जो क्वेश्चन हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इसको मैंने तकरीबन 2 दिन से मैंने सर्च कर करके एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से निकाला है, उसके बाद मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो को अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ एक बार ज़रूर शेयर कीजिएगा, और हमारा जो चैनल है उसको एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जब नया वीडियो डालूँ तो आपको पहले से ही पता चल जाए, ठीक है। आप बताए क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट काइंड ऑफ डिवाइस आर द कीबोर्ड। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है इनपुट आउटपुट स्कैनर, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ एवर। यहाँ पर सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए इनपुट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, एक बार देख लीजिए इसको, व्हाट काइंड ऑफ डिवाइस आर द कीबोर्ड, इनपुट आउटपुट स्कैनर ऑल ऑफ द एवर। सही आंसर जो होगा सही ऑप्शन हो वो है इनपुट, ठीक है। इसको आप लोग एक बार ज़रूर अपने दोस्तों का शेयर कीजिए, क्योंकि कोई भी बंदा ऐसा नहीं रहना चाहिए कि सही इन्फॉर्मेशन उसे ना मिल पाए। इन्फॉर्मेशन सही होने चाहिए, बाकी तो वो खुद संभाल लेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 पर हम लोग आते हैं, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BIOS। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन बी बेसिक इनपुट आउटपुट सिक्योरिटी, ऑप्शन सी ए एन बी आर करेक्ट। अब दो तो करेक्ट हो नहीं सकता, सही आंसर क्या होगा ऑप्शन ए बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। ये जो है वो APSC में काफ़ी दिखाई देता है, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये कंप्यूटर नॉलेज का ही क्वेश्चन है, दिखने में ऐसा नहीं लगता कि ये कंप्यूटर नॉलेज का क्वेश्चन है, ठीक है। आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 80, व्हिच कंप्यूटर इज मेड अप द शिप, व्हाट काइंड ऑफ ए कंप्यूटर इज इट कॉल्ड। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन बी माइक्रोस कंप्यूटर, ऑप्शन सी मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा वो होगा ऑप्शन ए माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। यहाँ पर सिप से
यह बढ़िया हुआ है। विच कंप्यूटर इज मेड, वो कौन सा कंप्यूटर है जिसको सिप से बनाया जाता है, ठीक है। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन को आप यूपीएससी में, जब यूपीएससी का एग्ज़ाम दोगे ना, तब ये पता चलेगा कि ये क्वेश्चन एक एग्ज़ाम में भी आ चुका था। मैं दे चुका हूँ पहली बार, तो ये मुझे देखने को मिला था, ठीक है। आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 90 ऑन मिली सेकेंड इज डैश। ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने बहुत सोच समझ कर दिया हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूज कर देता है कोई भी बच्चे को, चाहे वो जितना टैलेंटेड क्यों ना हो। यहाँ पर ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए 1000 सेकेंड, ऑप्शन बी 900 सेकेंड, ऑप्शन सी 10000 सेकेंड, ऑप्शन डी 100000 सेकेंड। यहाँ पर सही ऑप्शन जो होगा, आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए 1000 सेकेंड, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। द टर्म गीगाबाइट रेफर्स टू डैश। यहाँ पर होगा 1023 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट, ऑप्शन सी जो दिया है 1022 मेगाबाइट, ऑप्शन डी 1026 मेगाबाइट। सही आंसर जो होगा वो होगा 1024 मेगाबाइट, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। सभी जो क्वेश्चन है वो हाई क्वालिटी का है, इसलिए इसको लाने में मुझे 2 दिन लगा, क्योंकि रिसर्च भी ज़रूरी है, सही इन्फॉर्मेशन देना वो भी ज़रूरी है, ठीक है। ए बाइट कॉन्साइन ऑफ डैश, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है 21 क्वेश्चन। ए बाइट कॉन्साइन ऑफ डैश, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है 7 बिट्स, 8 बिट्स, सी थे 9 बिट्स एंड डी थे 6 बिट्स। सही आंसर जो होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर बी 8 बिट्स। क्वेश्चन नंबर 22, विच इज़ द मीनिंग ऑफ OMR। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट इज़ द फुल मीनिंग ऑफ OMR, ठीक है। ऑब्स्टिकल मार्क रीडर विद ऑब्स्टिकल मार्क रीडर, सी द ऑब्स्टिकल्स मार्क रीडर एंड डी द ऑब्स्टिकल मार्क रीडर। यहाँ पर सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी ऑब्स्टिकल मार्क रीडर। आता है क्वेश्चन नंबर 23, व्हिच लैंग्वेज वाज यूज एज फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। यहाँ पर दिया हुआ है बाइनरी लैंग्वेज, इनपुट, मशीन लैंग्वेज, नॉन ऑफ एवर। ये तो सभी जानते हैं कि ये कंप्यूटर का जो लैंग्वेज होता है, जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर का लैंग्वेज होता है वो क्या होता है, वो मशीन लैंग्वेज होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज इंजन ऑफ कंप्यूटर, प्रोसेसर, CPU, हार्ड डिस्क, सॉफ्टवेयर। सही आंसर तो सबको, सभी लोगों को मालूम है होगा, सही प्रोसेसर। हु इज नो आर द मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, नॉन ऑफ एवर। सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी सुपर कंप्यूटर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, इतना यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, सी टे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोड्यूसर, डी टे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसलेट प्रोटोकॉल। सही आंसर जो होगा वो होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 पर हम लोग आते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनियन रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन और ऑप्शन डी यूनिफॉर्म रिस्टोर यूनिफॉर्म। यहाँ सही आंसर होगा क्या, सही आंसर होगा ऑप्शन ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज लिनक्स, ऑप्शन दिया हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्ड डिस्क, HTTP प्रोसेसर। सही आंसर जो होगा वो होगा ए ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 29 पर हम लोग आते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम, RAM। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम SR मेमोरी, रैंसम एक्सेस मेमोरी और ऑप्शन डी पर है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये जो दोनों हैं
ये दोनों सेम ही हैं, लेकिन जो पहले क्वेश्चन है वही सही है, ठीक है। तो हमें इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है, जो पहले सही है, सही था, उसको ही लिखना पड़ेगा। ये और यही, ये ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, ये सेम ही है, ठीक है। तो हमें कौन सा लिखना पड़ेगा आंसर पर, ए ही लिखना पड़ेगा। ये जो है ये सही है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। और आप पे अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30, वेयर इज रैम लोकेटेड। यहाँ पर दिया हुआ है ब्लूटूथ, मदरबोर्ड, सीपीयू, माउस। सही आंसर जो होगा वो सबको पता है, मदरबोर्ड, ठीक है। रैम कहाँ पर रहता है यही पूछा गया था, तो इसको भी मैंने उठा लिया क्योंकि ये भी एक ज़रूरी क्वेश्चन है। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा, क्योंकि कुछ ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो क्वेश्चन तो आप पहले से जानते थे, इसलिए उसको बार बार प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। हु इज़ द फादर ऑफ ब्लूटूथ, ब्लूटूथ, हु इज़ द फादर ऑफ ब्लूटूथ। यह दिया हुआ है ऑप्शन ए, जॉइन ब्रिस, जॉइन लाइटोन, एरिसमैन और एजिल। सही आंसर सबको पता है, एरिस्कोन, 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 ठीक है, एरिस्टोन, एरिस्कोन। और द फुल मीनिंग ऑफ, ऑप्शन सी होगा, और द फुल मीनिंग ऑफ सी डी। यहाँ पर दिया हुआ है कंप्यूटर डिस्क, कंप्लीट डिस्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, नॉन ऑफ एवर। सही आंसर सबको पता है, कंप्लीट डिस्क, ठीक है। और इस फाइल, ऑप्शन दिया हुआ है कलेक्शन ऑफ डाटा, कलेक्शन ऑफ डायरेक्टरीज, कंप्यूटर डाटा, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, कलेक्शन ऑफ डाटा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है वो काफ़ी कंफ्यूज में काफ़ी कभी बच्चे को फेल, बच्चे को ले आता है, कंफ्यूज कर देता है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ऐसा नहीं लगता कि ये कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा गया है। जब आप नीचे ऑप्शन देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये तो कंप्यूटर का क्वेश्चन है। तीन बार इस क्वेश्चन को पूछा गया था, एक बार रेलवे में भी इसको पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ का इसको व्हाट इज फाइल, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कलेक्शन ऑफ डाटा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DBMS। ऑप्शन दिया हुआ है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, डाटाबेस मैनेजमेंट स्क्रीन। क्वेश्चन आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर, एक्स इज द ऑपरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ विच कंपनी, एप्पल, सैमसंग, IBM, लेनोवा। यहाँ पर जो सही आंसर होगा होगा IBM, ठीक है। एक्स, AX, एक्स इज द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ विच कंपनी, सही आंसर होगा IBM। क्वेश्चन नंबर सी नंबर जो होगा ये होगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो होगा आंसर IBM, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, यहाँ पर दिया हुआ है HTTP, CPU, सॉफ्टवेयर, रोम, ठीक है। इसको इस क्वेश्चन को तीन बार पूछा गया था, आप लोग यकीन नहीं करें कि मैं बता रहा हूँ, तीन बार पूछा गया था। पिछले साल जब रेलवे एग्जाम हुआ था तब भी यही क्वेश्चन आया था, आप लोगों को शायद पता होगा क्योंकि आप लोग भी एग्ज़ाम दिए हुए हैं, ठीक है। HTTP, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, ये जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सबका। HTTP, हाइपर टेक्स्ट सेंसर प्रोटोकॉल, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट सेंसर प्रोटोकॉल। और इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML, हाइपर टेक्स्ट मेकअप लैंग्वेज, ऑप्शन बी हाइपर टर्न मेकअप लैंग्वेज, ऑप्शन सी हाइपर टाइम मेकअप लैंग्वेज, ऑप्शन डी हाइपर टेक्स्ट मेकअप लैंग्वेज। अब ये और ये सेम है, ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मेकअप लैंग्वेज। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 39, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है जॉन लॉजिक, चार्ल्स बेबेज, जॉन बियर्ट, वेस्टन क्रिक। सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स बेबेज, बेबेज को हम लोग कंप्यूटर का फादर
यानी कि कंप्यूटर का बाप कहा जाता है। ठीक है, अब रहे क्वेश्चन नंबर 40। कंप्यूटर यूज द डैश लैंग्वेज टू प्रोसेस डाटा, मशीन लैंग्वेज ऑप्शन ए, ऑप्शन बी बाइनरी, ऑप्शन सी कंप्यूटर लैंग्वेज, ऑप्शन डी नॉन ऑफ अबव। सही आंसर जो होगा वो सबको पता है बाइनरी, कंप्यूटर का वो जो लैंग्वेज होता है वो होता है बाइनरी। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है क्योंकि अब पता आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि कैसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41। और द फुल फॉर्म ऑफ इंटरनेट, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑप्शन ए, ऑप्शन बी आइडेंटिटी कनेक्टेड नेटवर्क, ऑप्शन सी इंटर कॉलर नेटवर्क, ऑप्शन डी इंडिपेंडेंट कनेक्टेड नेटवर्क। सही आंसर जो होगा वो होगा इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। ठीक है, इस क्वेश्चन को दो बार पूछा गया था, एक रेलवे में पूछा गया था और एक गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम होता है वहाँ पर भी एक पूछा गया था, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड, तो आज के लिए मिलते हैं हम लोग, धन्यवाद, थैंक यू, और फिर चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।